स्टेप था मुझे बड़ा अच्छा लगा, गर्ल बनगी है ना, ऐसा कुछ किया था, बहुत अच्छे से किया था। पाजी यू जस्ट रॉक्ड। एंड नाउ जिन्होंने इसको रिक्रिएट किया है और लास्ट तक उनको बताया नहीं गया, भैया सब खत्म हो गया, घर चले जाओ, गिव इट अप फॉर अमित ब्रोस। बताया था लास्ट में, मतलब इतनी देरी कर दी आप लोगों के संग, है ना। कुमार पाजी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहां पर। नेहा आई डोंट नो, नेहा अभी यहां पहुंच नहीं पाई है। ओके सो डायरेक्टर साहब ऑफ दिस वीडियो, गिव इट अप फॉर सैम बॉम्बे लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड ऑफ कोर्स कोरियोग्राफी, मतलब आग लगाइए, परेश सर कमाल कर गए सर, कूल है बस, थैंक यू सो मच। ऐसे कैसे है ना, जिस जोड़ी ने यहां पर्दे पे आग लगाई है उनको बुलाना बनता है। गिव इट अप फॉर विद्युत जामवाल एंड उर्वशी रोतेला। एंड वीडियो आपने एंजॉय किया, वापस से बता देता हूं, हंगामा म्यूजिक ऐप पे आप एक्सक्लूसिवली जो ऑडियो है उसको सुन सकते हैं एंड बाकी मन की आंखों से देख सकते हैं। वेलकम टीम, गर्ल बन गई लेडीज एंड जेंटलमैन। सो बिफोर यू नो वी आस्क यू सम क्वेश्चंस, एक ही रिक्वेस्ट है सुखदीप भाजी, थोड़ा सा तो बनता है यहाँ पे आपसे ये गाना सुनना। एंड येस ऑफकोर्स आफ्टर द फोटो ऑप हो जाए। I think कोर्स में गा सकता हूँ, I don't mind। बिल्कुल बाजी हो जाए। ब्रदर्स तुझे ना चेंज किया तुसी गाओ। हम मुंडे अत कुड़ियां दी गल बन गई, ओ बन गई गल बन गई, हम मुंडे अत कुड़ियां दी अख लड़ गई, ओ लड़ गई अख लड़ गई, हम मुंडे अत कुड़ियां दी गल बन गई, ओ बन गई गल बन गई। बाजी कमाल। अब यहाँ पे ऐसे नहीं है, बहुत और मौके मिलने वाले है ना। परेश सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आगे आए और आपके जो ये लीड एक्टर्स हैं इनके साथ वो सिग्नेचर स्टेप तो बनता है, क्या बोलते हो आप लोग, देखना चाहोगे? Because of you, आप जैसे लोग और इतने अच्छे खूबसूरत लोग ऐसे गानों पे डांस करते हैं और फिर इनका क्या क्या यू नो ऐसा डांस फ्लोर पे क्या होता है हमको पता है, कैसा हश्र होता है। सो गिव इट अप फॉर देम वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल बन जाएगी अगर ऐसा डांस करना आ जाए सबको। एंड यहाँ पे इज दिस समवन लाइक गर्ल्स वर्सेस बॉयज, कुछ ऐसा है उर्वशी, है ना, देयर इज अ क्लैश। सो यहाँ पे देयर आर सो मेनी गाइज एंड सो मेनी गर्ल्स, तो अपनी अपनी टीम, मुझे पता है आपने चैलेंज भी किया था ऐसा विद्युत को कि यार लड़कियां ज्यादा ऐसा अच्छा डांस कर सकती हैं, सो अपने लिए दो लड़कियां चुन लीजिए यहां से जो यहां आने वाली हैं, दे गोना डांस विद यू, कम ऑन हरी अप। एंड विद्युत आपके लिए दो मुंडे हो जाए यहां पे, ये इतने से काम नहीं, दो और कटप्पा कौन है, दो जन कम यहां, गर्ल्स वर्सेस बॉयज, बॉयज प्रेस में से आएंगे तो मजा आएगा, बिल्कुल प्रेस में से ही चाहिए हमें। कौन दो लोग हैं, अरे चांस पे डांस मारनी है, कम ऑन, चलो ठीक है यहाँ पे वी हैव, अच्छा आपको मिल गई उर्वशी, आपके लिए टीम में कोई है, परेश सर और किसको आप सिलेक्ट कर लो, चलो यहाँ पे विनोद आ गए वो फोन पे, he's like, see, one person has to come from the media or we want to see what you guys are all about, come on। हाथ खींच के, हाथ खींच के भाई, हाथ खींच के ले गया व्हाइट शर्ट में, वो तो फोन पे लगा है, किसी से बात नहीं कर रहा है बट फोन पे है वो। ओके चलो वी गॉट समवन, ठीक है सो यहां पे अभी हो जाए ये फेस ऑफ है ना।
गर्ल बन गई। लड़के ज्यादा अच्छे होते लड़कियां? अबे लड़कियां बोल, दोनों अच्छे होते हैं। लड़कियां बोलना था ना हमको तो। विद्युत आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले प्लीज हमको ये बोलो, आप यहाँ पे हनी सिंह ने जो रैप किया है उस पे आप लिपसिंग कर रहे हो, और मुझे पता लगा है सेट पे भी एकदम ऐसा हर समय चालू रहता था, योर थॉट्स ऑन द सेम। यार हनी सिंह इज लाइक अ लेजेंड एंड ब्रिलियंट गाय एंड इट वाज सच अ प्लेजर टू जस्ट रैप एंड आई वाज लकी दैट ही वाज नॉट देयर सो दैट आई कुड डू इट एंड बहुत मजा आया। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई नीड टू वेलकम सुखबीर। Yeah. And the whole nation is very proud that you're back, sir. Thank you. And and मैं जिनको भी बोलता हूँ सुखबीर हो गए तो मिले कि नहीं मिले, मैंने कहा यार बहुत लंबे हैं वो। And I have to tell you that we were on set, Urvashi and I and everybody. This man can move, and when he moves, our Paresh has to stop. This man can really move very well. And that is true. I need to thank a lot of people for giving us this opportunity. Sukhbir, Meet Brothers, everybody. But the whole look had been put together by Akshay Tyagi, who's a stylist, and you can see it's looking fabulous. It is. Priya Gupta, thank you very much. You've been very, 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 very kind. Paresh and his team, the two lovely people you saw. So thank you, everybody. It was just an amazing experience working, and I hope we keep doing this. Well, talking about singles, इससे पहले दिल्लगी में हमने देखा रोमांस, वो इमोशन, यू नो सब कुछ बाहर था, अभी एक्शन रोमांस और अभी यहाँ से डांस, मतलब क्या डैक्शन, ये पूरा मिक्सचर है डांस और एक्शन का यहाँ। हाँ मतलब जो लोगों को देखना वो सब दिखा देंगे यार, सब दिखा देंगे। वाह क्या बात है, अच्छा काम कर रहे हैं। उर्वशी दिस वन्स फॉर यू, डांस करना इसमें और साथ ही डांस के साथ एक्शन करना, वो कितना अलग था और क्या था? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू सो मच टू ऑल द मेंबर्स ऑफ मीडिया एंड ऑल द डिग्निटरीज प्रेजेंट ऑन हियर। I have to convey my regards to Please. Certain people. I'd like to thank first and foremost my director Sam Ahmed, because I think it's his entire, like the whole idea. Well, we all have a reference picture in mind, and this single had a script, a sort of like, you know, a character, and he had this Angelina Jolie, Lara Croft in his mind. And I had my own reference picture on my mind, which was of completely a real badass girl, a girl who was very uncompromising and a very rough, tough girl. So I had a fun, most of all, I mean, I've been dancing since the age of 3, doing Bharatanatyam, Kathak. But this was my very first attempt when it comes to sword fighting, and I completely enjoyed it with this hunk, with the Jambal. I feel I think he's the best co-star, and it's been so enriching experience to work with him. He's just so brilliant and super hardworking. He's been very supportive, and I think people are loving the pair, and people are loving him, whatever he's done. So I think when the entire team is superb and great, even the result comes out to be great. Also, Sukhbir, we all have been very big fan of you, so, and it's a privilege that you especially came down from Kenya to shoot with us, and you're a fabulous dancer. Without any rehearsals, he was able to do those moves. I think that was really crazy. So thank you so very much for being part of our music album. Apart from that, I love you, Meet Bros. You are amazing. Harmeet and Manmeet, I think they have just added the charm in the entire video. Kumarji, thank you so much for being there. And Paresh, if you wouldn't have been there, I don't think so we would have managed to look so stylish, high on style, and whatever you're seeing us doing, like in terms of dancing, it's all Paresh. So Paresh, thank you so very much. Sam, again, thank you so very much. And last but not the least, I would like to thank T-Series family, the Vision sir. I believe they are not here, but I'll always be thankful and very grateful to both of them. Thank you. Thank you so much. ऐसे लग रहा है बोलते जाओ हम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा था, थोड़ा और देर, everybody like हाँ चल रहा है, अच्छा मजा आ रहा है. Okay. And there was I forgot to mention Priya Gupta, the very beautiful person from In and Out. I think it wouldn't have been possible even without you, because you were the driving force behind Gal Ban Gayi. So thank you so very much. Thank you, Priya, for getting this gana back, yeah, and pura entire T-Series team. Sam, this one's for you. आपकी journey इन लोग के साथ कितना परेशान किया इन लोग ने, या सब कुछ normally निकल गया?
They're the hardest working people that I've met, these two. They train for about 2 weeks, action and dancing. Uh-huh. We had to design a new way to teach dancing to Vidyut, which was quite a fascinating experience working with them. I've learned a lot from both of these guys, especially their dedication. Lekin pehle to Sukhbir Paji, the song, thank you very much. Meet Rose, they're my brothers. Kumar Paji, thank you all for coming here. Priya, thank you. My partner in crime, Paresh. And I want to thank Bhushan ji. थैंक यू सो मच. मीत ब्रोस का जलवा हमने सुन लिया, अभी देख भी लिया. कुमार पाजी, आपसे जानना चाहूंगा, एक एक आइकॉनिक गाना इसको वापस से लाना, और व्हेन वो लड़की वाली लाइन जो आती है सर, वो कैसे सोचते हो आप? मतलब वो व्हेन यू टेल मी मैं हॉट सोनिया, हाँ मैं मतलब मैं वो कैसे फील करते हो आप? नहीं, फील नहीं करता मैं मैं लिखता हूँ बस कहीं प्लान नहीं करता गाना के पीछे. पहले तो भूषण जी का थैंक यू, ये पूरी टीम कंबाइन की है उन्होंने, प्रिया जी और सुखबीर पाजी से. मेरी 16 साल पुरानी एसोसिएशन है, मैंने इश्क तरह झड़पावे हमने गाना कमांड किया जी. फिर मैं बहुत हैप्पी हूँ पाजी के लिए. एक्चुअली मैं तो चाहता था कुछ ऐसा हंगामा हो जाए, एक्चुअली आने वाले टाइम पे भी कुछ ज़बरदस्त करें. तो मीत ब्रोस, थैंक यू वे सैम, और सबका थैंक यू. और वो लाइन जो है ना, वो आ जाती है, मतलब फील करने की ज़रूरत नहीं है. मैं इसलिए लिखता हूँ कि आप लोग फील करें लाइन. इसकी सीक्रेट मैं बता देता हूँ, जब भी कुछ अच्छी लाइन चाहिए होती है, पाजी को चेक दिखा दो, लाइन आ जाती है. असलियत ये निकली है. ऐसी भी कोई बात नहीं है वैसे. मतलब पाजी कितना, पाजी आज जो पहली बार मिले थे वो डायलॉग, मतलब नहीं, नहीं, वो डायलॉग बताओ क्या बोला था आपने? वो मेरा मुझ में कछु नहीं जो लागे सो तेरा, पर रिकॉर्डिंग से पहले भैया तू चेक दे देना मेरा. किल इट. और क्या चाहिए इसके अलावा, है ना? सो नाउ इट्स ओवर टू यू गाइस, आप लोगों के सवाल जी. यू डन एन इंग्लिश रैप एंड अ पंजाबी रैप आल्सो. यस, सो इट्स ऑलवेज very difficult to bring back a song जो हम सब ने इस पर डांस किया होगा. आई एम श्योर ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे जिसने गल बन गई पे डांस नहीं किया था. और सुखबीर पाजी के साथ बहुत टाइम से वी वर प्लानिंग टू डू समथिंग, वो क्लिक नहीं हो रहा था, बट देन भूषण जी कॉल्ड एंड सेड कि वो गल बन गए को दोबारा बनाते हैं. तो जब भी वो ऐसा कुछ बोलते हैं तो पहले तो घबराहट होती है, क्योंकि इतने बड़े गाने को वैसे हाई हील्स किया था हमने, नचांगे सारी रात, तो डर लगता ही है. बिकॉज सब लोगों का बड़ा प्यारा होता है वो गाना, उसको अगर आप सही नहीं बैठे तो फिर गालियाँ बहुत पड़ती हैं. तो हमने पाजी को सुनाया कि ऐसा ऐसा किया है, एंड ही अप्रूव्ड इट एंड ही सेड दैट आई लव इट. So we all got together for one person, and that's Sukhbir, because he's the real rock star. It's all for him. So obviously, we thoda sa apna style hum kahin na kahin dalte hain. So there's a rap which we did. Iske andar we have done one English rap which humne jaise chutiyan kalaiya mein bhi apna ek signature rap kiya tha. We'll do that for you. Hey girl, it's a romantic night. Girls are grooving on a groove so tight. Everything is gonna be alright. Just gal ban jaane do. Hey girl, it's a romantic night. Girls are grooving on a groove so tight. Everything is gonna be alright. Just gal ban jaane do. And we have to, we really, really have to thank this guy here, Sam. इन्होंने हमारा ये दूसरा वीडियो डायरेक्ट किया. इसके पहले हमारा गाना आया था बेफिक्रा, जो दैट वाज हिज फर्स्ट म्यूजिक वीडियो. तो इनके दोनों हमारे साथ ही हुए. And best part about him is that ये बहुत ही humble इंसान है. He's one of the biggest ad makers of this country. But when you go and shoot with him on the sets, आपको ऐसा लगेगा आप किसी newcomer के साथ काम कर रहे हैं. That's what make big makers like. And I would personally like to thank Kumar Paji, Yomesha, who's always been there for us like a brother, without check also actually. And Priya Gupta and entire T series team, Bhushan ji, and all of you here, who's going to make this song a big hit, I'm sure. And thank both the so stars much. Here, Urvashi and Vidyut. When we went on the sets, they both were sweet enough to come and meet us. I thought that hum in dono ke wahi fan ho gaye the. That's again humility, and we learned a lot from it. Thank you guys. You guys are really amazing. Thank you. Thank you so much. And aapne kaha gana jab hit ho jayega, I'm sure hit kar gaya hai aur bahut tagde dhang se hit hone wala hai. So yeah, over to you people. Aap log ke sawal kar lijiye. Kaun tha ye? Mere mitr. I knew it. Girl ban gayi matlab already.
वन टू वन ना. एक सवाल पाजी मेरे को आपसे पूछना है. यू नो आप ही का गाना इतना आइकॉनिक वाला, जब इसको ऐसे रिक्रिएट किया गया तो वहाँ कुछ ऐसा प्रश्न चिन्ह आया था मीट ब्रोस वापस से इसको करने वाले हैं, क्या होने वाला है वो प्लीज बताइए. डेफिनेटली यू हैव क्वेश्चन तो होता है कि यार विल इट मैच व्हाट इट वाज, बट आई थिंक दे हैव वर्क्ड रियली हार्ड एंड मेड इट मच बेटर. दे हैव गिवन इट अ न्यू लाइफ सो टू स्पीक. इट्स नॉट द ओल्ड सॉन्ग, इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. और मेरे को एज अ टोकन दे हैव गिवन मी अ वेरी स्पेशल रोल इन द होल थिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज दे हैव टेकन इट टू अ न्यू लेवल एंड गिवन इट अ वेरी कंटेंपरेरी साउंड. हैविंग हनी सिंह ऑन द ट्रैक एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड देन वी हैव विद यू तनुवृषि हू मेक पीपल लाइक अस लुक गुड. सो दे आर देयर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मेकिंग इट एक्स्ट्रा स्पेशल. मीत ब्रदर्स एंड कुमार जी तुसी ते जान पा देंदे हो हर एक गाने दे विच. First time I met Kumar ji was over the phone. I'd never met him. Oh, check wari gal thodi galat hai thodi, kyunki he wrote Ishq without any money from me. And he wrote it in 2 minutes. Main ko tune hum kar raha tha unhe aur ye likh rahe the and 2 minute ke andar pura gana khatam kar diya. And ha wo gaane ki history aisi thi ki wo inhone jab mujhe gana diya to us pe beat nahi thi. To main naya naya Punjab se aaya tha, na dimag hit mein na flop mein na acche na bure mein. तो इन्होंने मेरी ट्यून डा रा 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 रा, मेरे को लगा बड़ा पैथोस है वो जो हो पार्ट आता है ना उसमें मुझे लगे पैथोस निकल रहा है. अब तो मैंने सैड गाना लिख दिया तो पाजी एक महीने के बाद वीडियो लेके आया. मैं कहा ये क्या बना दिया. ये मेरे साथ इन्होंने बोलना बंद कर दिया कि आपने ये बना क्या दिया है, मैंने तो सैड गाना लिखा था, आपने ये नाचने वाला गाना लिख दिया. लोग बट देन ही सेड ही अप्रिशिएट द फैक्ट कि एक सैड गाने को भी आप डांस गाना बना सकते हो. बट थैंक यू फॉर लिरिक राइटिंग सम अमेजिंग लिरिक्स. तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं. हो 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 इश्क तेरा तड़पावे. हो 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 इश्क तेरा तड़पावे. छा गए पाजी. थैंक यू वेरी मच पाजी ये गाना देने के लिए. मुझे 6 साल के बाद पता लगा गाना इतना बड़ा हिट है, उससे पहले मुझे पता नहीं था गाना सच्ची. Thank you so much, ladies and gentlemen. And that's how we wrap up. एक आखिरी चीज़, उर्वशी विद्युत इतना अच्छा डांस कर रहे हो, कभी आपके साथ भी होता होगा ना, मतलब आम आदमी जैसा डांस करते हो या इतना ही हमेशा ग्लैमराइज्ड होता है? मतलब जैसे हम सब मेरे केस में उर्वशी के साथ डांस कर रहा था, कोई भी साथ में खड़ा हो जाए अच्छा ही लगता है. तो मैं ऐसे खड़ा रहता था, अपने आप बॉडी मूव हो रही होती थी. सो उर्वशी यू, मतलब कभी भी ऐसा कुछ तो ऑफ बीट किया होगा, कुछ तो किया होगा कभी, जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल कर लेते हैं, इतना इतना परफेक्ट हर समय. ट्रेनिंग बट हाँ घर पे कभी फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली वो ऑफ बीट होता है, वो भी इतना ही परफेक्ट होता है, वो अपने आप ही ताल के साथ हाथ सही चली जाते हैं पता नहीं क्यों. मतलब जो भी है इनबिल्ट है अच्छा ही होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जैसा आपने यहाँ पे बोला. थैंक यू गाइस, द सॉन्ग इज अ हिट, सुपर हिट. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू सो मच.